हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 23। क्लास है आपकी 7th और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है 16 दिसंबर 2020। ठीक है, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट पढ़ेंगे। पहले तो देखिए हमारी वर्कशीट कितनी सुंदर है, बहुत प्यारी है। चलिए तो हम पढ़ते हैं। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। हमें एक ऐसी सिचुएशन सोचनी है जब हम फील कर रहे हो कि हमें एक लेटर, मतलब एक राइटिंग लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम क्या क्या यहाँ पर सोचते हैं, देखिए किस किस बारे में हम लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, रिक्वेस्टिंग फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज, सिस्टर मैरिज है उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आप बीमार हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। रिमिशन ऑफ फाइन, अब कोई चीज़ आपकी रिमिशन है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड एक्सप्रेस करने के लिए लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटी, या फिर कोई भी हमारे ऐसी फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस वर्कशीट वी लर्नड हाउ टू राइट अ लेटर फॉर लीव। हमने पहले क्या पढ़ा था कि हम लेटर कैसे लिखते हैं लीव, छुट्टी के लिए। अटेंडिंग अवर सिस्टर मैरिज, जिसमें हमने लिखा था अपनी बहन की शादी के लिए, सिस्टर मैरिज। देर आर सो मैनी मदर सिचुएशंस, बहुत सारी अदर सिचुएशंस जो होती है इन योर लाइफ व्हेन यू कांट अटेंड योर स्कूल, जब भी आप अपने स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। यू हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क एट योर होम, या फिर कभी कभी ऐसा होता है बहुत अर्जेंट वर्क आ जाता है घर में। तो इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। देखिए उसमें हमने पढ़ा था कि हम छुट्टी के लिए कैसे वर्कशीट मांगते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि हम अर्जेंट काम, घर पर अर्जेंट काम होने के लिए वो कैसे लिखेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग लेटर यूजिंग क्लूज। क्लूज हमें ये रहे दिए हुए हैं, इन्हें देख कर हमें ये बढ़नी है। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर वन डे लीव फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। अपने घर में किसी काम की वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो वो लिखना है। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे कि आपके स्कूल का नाम मान लीजिए जी, एक मिनट, जैसे कि आपके स्कूल का नाम है GBSSS, ये आपका स्कूल नेम हो गया। आगे स्कूल का एड्रेस, आप यहाँ पर स्कूल का एड्रेस लिखेंगे यमुना विहार एक्सेट्रा, और जो भी आपका एड्रेस है 1100, यानी कि वहाँ का पिन कोड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, डेट क्या है 16, है ना, एक मिनट, 16 12 20, ये हमने डेट लिख दी। सब्जेक्ट है लीव फॉर डैश पर्पस, किस पर्पस से हम लिख रहे हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माय होम, क्या आएगा अर्जेंट, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। घर पर कोई अर्जेंट काम होने की वजह से हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, सर या मैडम, चूज एनीवन, जो भी आप लिखना चाहते हैं सर या मैडम में से। आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट करें। आई एम डैश, क्या आएगा, आई एम स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर क्लास और सेक्शन लिख रहा है, तो आई एम डैश मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी, ये कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे ना यहाँ पर, तो वो ही लिखना, ऑफ क्लास आपकी 7th है, 7th B, मैंने बी लिखा है, आप ए सेक्शन में एक लिखिए, सी में है सी लिखिए, जो भी सेक्शन है आपका वो लिखिए। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के 7th B का बच्चा हूँ। आई हैव एन अर्जेंट, है ना, यहाँ पे आएगा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर है काम, यहाँ पर नहीं घर पर है। सो
आई कैन नॉट, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन देख लें अब, अटेंड द स्कूल टुडे, ठीक है, यहाँ पर आएगा आई कैन नॉट अटेंड, अटेंड द स्कूल टुडे काइंडली ग्रांट, एक मिनट ठीक से लिखते हैं इसको, थोड़ा जूम ही कर लेते हैं, काइंडली ग्रांट मी, है ना, लीव फॉर कितने दिन के लिए, लीव फॉर, ये देखिए हमें यहाँ पर फॉर वन डे बोला गया है, तो एक दिन के लिए, तो आज के लिए सिर्फ, तो हम यहाँ पे दोनों जगह आज की ही डेट डालेंगे, लीव फॉर, ये देखिए हमने ग्रांट लिख दिया, स्टूडेंट लिख दिया, होम लिख दिया, अर्जेंट, लीव फॉर टुडे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे लीव फॉर टुडे, दैट इज क्या तारीख है, 16/12/20, ये हमने डेट लिख दी, आगे चलते हैं, थैंक यू योर ओबीडियंटली, नेम क्या आएगा यहाँ पर, आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास आपकी 7th है, 7th B, ठीक है, ये हमारा सेक्शन हो गया, हो गया हमारी वर्कशीट कंप्लीट, चलिए कितनी छोटी सी और बहुत इजी थी, तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।